एक खुराक में वाचा बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। दोबारा शरीर दिखाई नहीं देगा, फूल दिखाई नहीं देगा। पशु फूल दिखा रहा है, पीछा दिखा रहा है, यानी शरीर बाहर आ रहा है। एक खुराक में ये जो आप देख रहे हैं बंद कर देगा। पशु की लाइफ में कभी दोबारा शरीर दिखाई नहीं देगा, यानी फूल दिखाई नहीं देगा। इतना गजब का फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला है। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये है सुआगा, इसको इंग्लिश में बोरेक्स बोलते हैं, और ये पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कई भाई कंफ्यूज है कि फिटकेड़ी है। दोस्तों ये फिटकेड़ी नहीं है, ये सुआगा है, इंग्लिश में बोरेक्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप यदि ये यूज़ करते हैं अपने पशु के ऊपर तो एक खुराक में बाचा बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। दोबारा शरीर दिखाई नहीं देगा, फूल दिखाई नहीं देगा। तो इसको देना कैसे है एक थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको डायरेक्टली नहीं देना है, ये जो आप सीधा देख रहे हैं इसको सीधा नहीं देना है, काम नहीं करता है। तो अब आपको क्या करना है कि 5 खुराक बनाने के लिए 500 ग्राम सुआगा लेके आना है, जिसको इंग्लिश में बोरेक्स बोलते हैं। तो इसका भस्म बनाना होगा। तो भस्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करना है, यानी इसका पाउडर बनाना है। इसका पाउडर बनने के बाद में आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। जैसा आप देख रहे हैं हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है। इस लोहे की कढ़ाई को लेने के बाद में क्या करना है, जैसे ये कढ़ाई गर्म होती है तो ये पाउडर इसके अंदर हम डाल देंगे। धीरे धीरे इसको सेकेंगे, यानी इसमें चट-चट की आवाज़ आएगी। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट तक, यानी जो आप देख रहे हैं ये 15 गुना डबल हो जाएगा, इतना फूल जाएगा, इसका फूल बन जाएगा। तो इसको सेकना, बिना सेके ये काम नहीं करेगी दोस्तों। तो इसकी भस्म बनाना है सुहागा की, तो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, ये फूल के तैयार हो जाएगा। आप देखिए धीरे धीरे फूल रहा है। तो धीरे धीरे सेकना है, जब इसकी चट-चट की आवाज़ आना बंद हो जाए, जैसे अभी आप सुन रहे हैं चट-चट की आवाज़, ये आवाज़ बंद हो जाए, इसके बाद में इसको नीचे उतारना है, फिर इसका पाउडर बनाना है। और इसकी 5 खुराक आपको पशु को देनी है। तो सबसे पहले 100 ग्राम ये पाउडर लेना है, और 300 ग्राम सरसों के तेल में मिक्स करके और किसी दलिये में फीड में मिला के पशु को देना है। बंद हो जाएगा बच्चा, बंद हो जाएगा पहली खुराक में। इस प्रकार से आपको 5 खुराक देनी है। 5 खुराक में हमेशा के लिए, यदि आपका पशु फूला दिखा रहा है, जिसको पीछा बोलते हैं, शरीर निकलना बोलते हैं, पशु की लाइफ में कभी नहीं होगा, इतना गजब का है। और ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोरेक्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसको फिटकड़ी ना समझिए, कई भाई फिटकड़ी समझते हैं, ये फिटकड़ी नहीं, ये बोरेक्स है, सुआगा है, और इसको डायरेक्टली नहीं देना है। जैसा हमने बताया वैसा ही उसी प्रोसेस है, आप दोगे तो इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, आपके घर तक हम इस सुआगा को पहुँचा देंगे। तो इस प्रकार से करना है, और धीमी आंच के ऊपर धीरे धीरे इसको सेकना है। एक खुराक में ही बाचा बंद, पीछा दिखाना बंद हो जाएगा। गाय भैंस इनको आपको 100-100 ग्राम देना है, एक खुराक की बात कर रहा हूँ, 5 दिन तक देना है। और बकरी है तो 30% इसका देना है, यानी 50 ग्राम से ज़्यादा बकरी को नहीं देना है, 30-40 ग्राम के लोग मान के चलो। इस प्रकार से आप ये प्रयोग कीजिए, और हमेशा के लिए जिस पशु का शरीर निकलता है, जिसको पीछा बोलते हैं, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इस वीडियो को किसान भाई तक शेयर कीजिए, ताकि और किसान भाई को भी इसका फायदा मिल सके। किसान भाई की सबसे बड़ी समस्या है, तो इस वीडियो को फैला दीजिए दोस्तों। तो इससे पहले हमने वीडियो डाल रखा था, लेकिन कई भाई समझ नहीं पा रहे थे कि सुआगा क्या होता है। सुआगा पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, जिसको बोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। बस डायरेक्टली नहीं देना है, पहले इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनने के बाद में इसको कढ़ाई पर धीमी आंच के ऊपर सेकना है। 10 मिनट में आप देखोगे पूरी कढ़ाई भर जाएगी, जो भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको तैयार करना है, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है। और फिर मिलते हैं, जय जवान जय किसान।